जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने कोल्हान यूनिवर्सिटी से अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की मांग करते हुए शुक्रवार से अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत की। ये विद्यार्थी दो साल से फर्स्ट सेमेस्टर में ही अटके हुए हैं। कोरोना के कारण जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की ना तो परीक्षा ली गई और ना ही इन्हें प्रमोट किया गया है। पहले सेमेस्टर के कुल 120 विद्यार्थियों के आगे सेशन लेट का संकट पैदा हो गया है। कॉलेज प्रबंधन कोल्हान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को धरने से 15 दिनों पहले सूचित किया जा चुका है, लेकिन इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में छात्र ये पूछ रहे हैं कि जब तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया तो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को क्यों नहीं? अभी अपने तरफ से कोई न्यूट्रल स्टेप ले जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर भी खराब ना हो, हमारी कोविड के सर्कमस्टेंसेस सब निकले। जो टाइम दो साल हमने अपना बर्बाद किया उसका हम मेकअप चाहते हैं, और जब तक यूनिवर्सिटी या कॉलेज कोई फैसला नहीं लेता हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे लगे रहेंगे। कोरोना का बहाना बना रहा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग प्रमोट नहीं करता। हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग का मांग बस जब तक पूरा नहीं होता है। अपनी लापरवाही को यूजीसी पे डाल रहा है, जबकि हमारे सीनियर बैच का फर्स्ट सेमेस्टर से सीधा फिफ्थ सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया और हम लोग दो साल हो गया ना तो एग्जाम हुआ ना हमें प्रमोशन दिया जा रहा है। वहीं इस बाबत प्रचार्य का कहना है कि कोरोना से स्थिति सामान्य होते ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म भरा जा चुका है। कोरोना एक जो है सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इनका सिलेबस कंप्लीट किया जाए और जितनी जल्दी हो सके इनका आगे का सेमेस्टर का एग्जामिनेशन और प्रमोशन जो है सो हो सकेगा और बच्चे जो है सो अपनी LLB की डिग्री जितना जल्दी हो सकेगा ले पाएंगे। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।